हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जो एक्यूज होता है उसकी अपीयरेंस की बात करते हैं कि एक्यूज को कोर्ट में किस तरीके से लेके आया जाता है और उसकी किस तरीके से अपीयरेंस होती है। अब देखो, जो एक्यूज होता है उसकी अलग अलग टाइम पे हमने अपीयरेंस करनी होती है। कैसे कैसे अब उसकी अपीयरेंस होती है वो सब देखते हैं। देखो, अपीयरेंस कराने के लिए, कोर्ट में लाने के लिए एक्यूज को हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो हम समन के थ्रू लेके आ सकते हैं, या वारंट के थ्रू लेके आ सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बेसिक सा पॉइंट बता देता हूँ, जब हम नए नए प्रैक्टिस में जाते हैं कई चीज़ें में नहीं पता होती। ऐसी मैंने भी एक टर्म सीखी थी, रोब कार। रोब कार क्या होता है, जैसे मान लो कि कोर्ट ने ना किसी के अगेंस्ट नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर दिया, ठीक है। अब वो नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर दिया तो क्या हुआ कि आप जो थे एज अ लॉयर, आप जाके आपने वो नॉन अवेलेबल वारंट कैंसिल करा दिया, लेकिन जो जिसको बोला गया था, जिसको डायरेक्ट किया गया था कि इस व्यक्ति को अरेस्ट करके लाया जाए, उसको तो नहीं पता कि आपने उन वारंट्स को कैंसिल करा लिया, जो भी नॉन अवेलेबल वारंट थे। तो फिर कोर्ट क्या करेगा, आपको एक रोबकार देगा। रोबकार जो है ना, एक उर्दू वर्ड है, उर्दू वर्ड है, और यह इसका मतलब होता है ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो जब अब आपको, आपने क्या किया, वो NBW कैंसिल करा लिए, और पहले ही आपने, और अब पुलिस ऑफिसर को तो पता नहीं है कि वो NBW कैंसिल हो गए हैं। तो जब वो अरेस्ट करने आएगा तो आप क्या कहोगे उससे कि मेरे NBW कैंसिल हो गए, तो कैसे मानेगा कि आपके NBW कैंसिल हो गए। तो कोर्ट से आपको रोबकार लेना होगा। रोबकार जो आपको कोर्ट देगा, वो आप उस एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर जो आपको अरेस्ट करने आएगा NBW के अगेंस्ट, आप उसको दिखा दोगे कि मेरे वारंट जो थे, जो NBW इशू हुए थे मुझे, वो कैंसिल हो गए। तो वो उस रोबकार को देख के आपको अरेस्ट नहीं करेगा। तो ये एक टर्म है जो आनी चाहिए, ठीक है, वो प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। अब देखो क्या है, अपीयरेंस इन कोर्ट की बात कर रहे हैं एक्यूज की। तो एक्यूज को हम कोर्ट के अंदर अपीयर करा रहे हैं या तो समन से या वारंट से। जब हम CRPC को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि दो तरीके के केसेस होते हैं हमारे सामने, एक समन केसेस होते हैं और एक वारंट केसेस होते हैं। समन केसेस जो जिनके अंदर सज़ा कम होती है, लेस सीरियस ऑफेंसेज होते हैं, वारंट केस ज़्यादा सीरियस ऑफेंसेज होते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, जब हम सेक्शन 204 पढ़ते हैं CRPC का, वहीं पे उसने बता रखा है, जनरली ऐसी कॉनोटेशन है, जनरली ऐसा किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये फॉलो करना है, मतलब एज अ जज आपको फॉलो करना है, ये जज की डिस्क्रिप्शन के ऊपर होता है, उसको ठीक लगता है तो करता है, वो बाकी अपनी अपना माइंड भी लगाता है जज। तो एक तरीके से जज की डिस्क्रिप्शन भी होती है इस चीज़ के लिए। तो अगर आप जज बनोगे तो आपको अपनी डिस्क्रिप्शन यूज़ करनी होगी इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए। तो जब सेक्शन 204 को पढ़ते हैं तो वहाँ पे उसने जनरली बताया कि जो समन केस होंगे वहाँ पे आप समन इशू कर दो, वारंट केस होंगे वहाँ वारंट इशू कर दो, ठीक है। जनरली बताया गया, ज़रूरी नहीं ऐसा करना। समन जो केसेज होते हैं जनरली उसके अंदर समन ही इशू किए जाते हैं, और वारंट केस में वारंट ही इशू किए जाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि देखो समन केस इतने कोई सीरियस ऑफेंसेज है नहीं, तो वहाँ पे अगर मैं अक्यूज को समन भेजूंगा ना तो वो कोर्ट में अपीयर हो जाएगा, इतने चांसेस नहीं है कि वो एब्सकॉन्ड करेगा या वो भागेगा। लेकिन जो वारंट केस होते हैं वो बहुत सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, किसी का मर्डर कर दिया या इस तरह की कोई चीज़ कर दी, जहाँ पे 7 साल इतनी ज़्यादा सजा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो व्यक्ति जो है वो भाग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस के अंदर ये बेटर रहता है, और कोर्ट भी ऐसा ही करता है कि वो वारंट इशू करता है, वो समन इशू नहीं करता। उसके बावजूद भी कोर्ट को कहीं पर लगता है कि नहीं, अगर मैं समन इशू करूँगा तब भी आ जाएगा कोर्ट के अंदर, तो फिर कोर्ट समन इशू कर देता है। और समन इशू करने के बावजूद भी वो नहीं आता, तो फिर ऑप्शन बचता नहीं, वारंट इशू करता है। वारंट इशू कर दिया, फिर वो नहीं मिल रहा, नहीं आया फिर भी कोर्ट, और पुलिस को भी नहीं मिला, फिर उसको उसकी प्रोक्लेमेशन कर दी जाती है, एज अ एब्सकॉन्डर प्रोक्लेम कर दिया जाता है, ठीक है। अब प्रोक्लेमेशन की जाएगी, सेक्शन 82 के अंदर हम देखते हैं CRPC के, प्रोक्लेमेशन हो गई, उसके बावजूद भी नहीं पता चल रहा था, हम क्या करेंगे, उसकी जो प्रॉपर्टी वगैरह वो अटैच कर देंगे, उसको बेच देंगे, सेक्शन 83, 84, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो वो आगे की चीज़ है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो सबसे पहले समन्स इशू कर रहे हैं, समन इशू करके उसकी अपीयरेंस कोर्ट के अंदर ला रहे हैं। समन्स क्या होते हैं, समन्स मतलब कि एक कोर्ट का, आप बोल सकते हो कि रिटर्न में एक तरीके से किसी को बुलाने के लिए जो ऑर्डर किया जाता है उसको हम समन बोल देते हैं, ठीक है। और समन हम उसको डायरेक्टली भेजते हैं कि आप कोर्ट में अपीयर हो जाओ। वारंट में क्या होगा, वारंट अगर इशू होंगे तो क्या किया जाएगा कि उसको अरेस्ट करके लाया जाएगा। अरेस्ट बिना वारंट के भी किया जा सकता है, वारंट से भी किया जा सकता है, उसको भी हम समझेंगे। तो समन में हम उसको बोल देते हैं कि आपको इस दिन, इस डेट पे, इस टाइम पे, उसके अंदर सारा बता के भेजते हैं कि आपको अपनी अपीयरेंस देनी है कोर्ट के अंदर। तो अब किस तरीके से समन बनता है, ये सेक्शन 61 के अंदर दिया गया है, और उसका फॉर्मेट क्या होता है, ये हमें फॉर्म नंबर 1 में दिया है, Schedule 2 के। जब हम CRPC के पीछे जाते हैं, शेड्यूल है ना, Schedule 1 में कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल बता रखा है, तो Schedule 2 में फॉर्म दिया हुआ है फॉर्म नंबर 1 के अंदर कि वो कैसा होगा।
जो समन होगा वो जज कैसे लिखेंगे, ठीक है। और बाकी जो मोड ऑफ सर्विस है वो सेक्शन 62 से 67 दिया गया है कि जैसे कि उसके अंदर डायरेक्शन दी जाएगी पुलिस को कि आप समन जो है लेके जाओ, उनको दे के आओ, ठीक है। उसके ऊपर रिसीविंग लो कि वो समन रिसीव हो गए हैं, कोई कंपनी है तो उसमें आप किसको समन दे के आओगे, ठीक है। ऐसी कोई और एसोसिएशन है तो वहाँ पे किसको दे के आओगे, और जैसे मैनेजर को दे आए, जैसे बैंक वगैरह है, कंपनी है, डायरेक्टर्स वगैरह को दे आए, तो वो मान लिया जाता है कि वो कंपनी को सर्व हो गया, ठीक है। और अब मान लो कोई अब्रॉड में रहता है तो उसको किस तरीके से सम्मान इश्यू होंगे, तो ये सब जो है सेक्शन 62 से 67 में बता रखा है कि मोड ऑफ सर्विस क्या होती है। आप गए, वो व्यक्ति नहीं था, तो जो भी मेल मेंबर है घर का सबसे बड़ा उसको आप सर्व कराओगे वो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा तो उसके घर के बाहर लगाओगे, एफिक्स कराओगे उसके घर के बाहर। तो ये सब तरीके हैं कि किस तरीके से आप सम्मान्स को सर्व कर सकते हो, ठीक है। अब जो सम्मान है जब इशू होते हैं, कब इशू होते हैं, ऑर्डिनरली देखा जाए तो सभी सम्मान केसेस के अंदर सम्मन्स इशू होते हैं। सेक्शन 204 का सबसेक्शन 1 पढ़ोगे तो सम्मन केस कहाँ डिफाइन कर रखा है, सेक्शन 2W के अंदर डिफाइन कर रखा है कि सम्मन केसेस क्या होते हैं। तो सम्मन केसेस के अंदर ऑर्डिनरली सम्मन इशू होते हैं कि कोर्ट ज़्यादातर क्या करता है कि सम्मन केस है, लेस सीरियस ऑफेंस है, यहाँ पे चांसेस नहीं है कि जो ऑफेंडर है या एक्यूज है वो भाग जाएगा, तो कोर्ट क्या करता है कि सम्मन इशू कर देता है, ठीक है। और अगर इसका बी पार्ट पढ़ोगे, मतलब क्लॉज 2 पढ़ोगे सेक्शन 204 का, तो वहाँ पे बोलता है कि ऑल्सो इन वारंट केसेज एट कोर्ट्स डिस्क्रिशन, कि वारंट केसेज के अंदर भी अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, कोर्ट की डिस्क्रिशन को ऐसा लगता है, मतलब अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके जजेस को ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमें वारंट इशू नहीं करनी चाहिए, सम्मन ही इशू कर देने चाहिए, और वो अपियर हो जाएगा तो फिर वो सम्मन इशू कर देता है, और उसके बावजूद भी होता है तो फिर वारंट इशू करने का तो चांस है ही उनके पास, तो वहाँ पे फिर वो वारंट इशू कर देते हैं। और जो वारंट केसेस की डेफिनेशन कहाँ देखने को मिलती है, सेक्शन 2X के अंदर देखने को मिलती है कि वारंट केस क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो कई बार क्या होता है कि जहाँ पे कोर्ट को ठीक लगता है ना, वहाँ पे जो एक्यूज होता है उसकी पर्सनल अपियरेंस को भी डिस्पेंस कर देती है, छूट दे देती है कि आप पर्सनली अपियर नहीं भी हो गए तब भी चलेगा। सेक्शन 205 के अंदर दिया गया कि आप अपने लॉयर को भेज दीजिए, इस ऑफेंस के अंदर आपका लॉयर आपके बिहाफ पे अपीयर हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे उसकी जो अपीयरेंस है उसको डिस्पेंस कर दिया जाता है, उसको छूट दे दी जाती है कि आप नहीं भी अपीयर होते, आपकी कंडीशन ऐसी, जो भी रीजंस लगते हैं उस वजह से डिस्पेंस कर दिया जाता है कि वो अपने लॉयर के थ्रू अपीयर हो जाए। तो ये एक क्या तरीका है, अपीयरेंस करवाने का तरीका है थ्रू सम्मन्स, सम्मन्स भेज के बुलावा दिया उसको कि आप कोर्ट में आ जाओ इस डेट पे इस टाइम पे। उसके अंदर चार्ज वगैरह भी बताए जाते हैं कि क्या क्या आपके अगेंस्ट लगा है, तो फिर कौन से कोर्ट में आना है सब कुछ बताया जाता है, साइन होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर के, फिर उसको वहाँ बुलाया जाता है, वो आता है। सम्मन के बावजूद भी नहीं आता तो फिर वारंट इशू हो जाते हैं उसके अगेंस्ट। और एक होता है बाय अरेस्टिंग द एक्यूज्ड, कि आप एक्यूज को अरेस्ट करके कोर्ट के अंदर अपियर कराते हो। अरेस्टिंग जो है वो दोनों केसेस के अंदर हो सकती है, विद वारंट या विदाउट वारंट, ठीक है। विद वारंट विदाउट वारंट दोनों तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, ऑर्डिनरली क्या होता है कि जो जितने भी वारंट केसेस होते हैं उसके अंदर क्या किया जाता है कि वारंट इशू किया जाता है और फिर उसको लाया जाता है कोर्ट के अंदर। और अगर सम्मन केसेस में भी जैसा मैंने आपको बताया कि जहाँ पे नेसेसरी लगता है कि सम्मन इशू कर दिए फिर भी वो नहीं आ रहा, तो फिर वारंट इशू किए जाते हैं और अरेस्ट करके उसको लाया जाता है। सेक्शन 87 CRPC के अंदर दिया गया है ये चीज़। उसके बाद मान लो कि अगर उसने एक बॉन्ड भरा था जो एक्यूज था, ठीक है, पर्सनल अपीयरेंस, मतलब एक बॉन्ड भरा था कि वो अपियर होगा कोर्ट के अंदर, और वो कोर्ट के अंदर मतलब उस बॉन्ड को ब्रीच कर देता है, तो वहाँ पे भी फिर उसके अगेंस्ट वारंट इशू होंगे, और वारंट इशू होंगे तो उसको अरेस्ट करके कोर्ट में लाया जाएगा। सेक्शन 89 के अंदर दिया गया। और सेक्शन 88 यहाँ पे मैंने बताया कि अगर एक्यूज जो है कोर्ट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे मैं कोर्ट के अंदर खड़ा हुआ हूँ, वहीं पे कोर्ट क्या करेगा कि उसको बोलेगा कि एक अपनी अपीयरेंस के लिए बॉन्ड जो है साइन कर दो, बॉन्ड जो है बना दो कि आप आगे सभी आने वाली डेट्स पे आओगे, ठीक है। तो इस तरीके से, और अगर इसके बावजूद नहीं आता तो फिर उसके अगेंस्ट फिर वारंट इशू हो जाते हैं कि आप नहीं आए। अब वारंट क्या होते हैं, वारंट एक मतलब एक तरीके से लीगल अथॉरिटी है कि उसको बोला जाता है कि आपको कोर्ट में अपीयर होना है, पुलिस को डायरेक्शन दी जाती है कि उसको अरेस्ट करके लेके आओ। सेक्शन 70 से लेके 81 के अंदर सारी चीज़ें दी, 70 से लेके 81 में दे रखा है वारंट के बारे में, कैसे वारंट का फॉर्मेट होगा, फॉर्म नंबर 2 है इसका, कैसे इसका फॉर्मेट होगा और किसको डायरेक्शंस दी जाएंगी, अगर वो फॉरेन के अंदर रहता है जिसके अगेंस्ट वारंट इशू है तो फिर उसको कैसे अपीयर कराया जाएगा, उसको कैसे सर्व होंगे सम्मन, मोड ऑफ सर्विस क्या होगी, तो ये सारी चीज़ें सेक्शन 70 से 81 के अंदर दी गई हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर ये वारंट इशू हो गया, वारंट इशू हो गया इन तीन केसेस के अंदर, तो उसको
अरेस्ट करके कोर्ट में ले आए। अब क्या होता है, कई बार बिना वारंट इशू हुए भी पुलिस जो है किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके कोर्ट में लेके आ सकती है। अब वो कब कर सकती है विदाउट वारंट? पहली चीज़, बाय पुलिस ऑफिसर सेक्शन 41 और सेक्शन 42। तो सेक्शन 41 और 42 अगर हम पढ़ें तो वहाँ पे बताया गया है हमें कि जैसे मान लो कि पुलिस के सामने या पुलिस को ऐसी कोई नॉलेज मिलती है कि इस व्यक्ति ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है या इस तरह की कोई सीरियस ऑफेंस की एलिगेशंस है, ठीक है, कि इसने किया और उनके पास एक सस्पिशियस नॉलेज होती है उस व्यक्ति के अगेंस्ट, जिससे कि एक रीजनेबल बिलीव मिलता है कि इस व्यक्ति ने ये ऑफेंस किया है, ठीक है, कोई मतलब कोई तीसरा व्यक्ति आके इन्फॉर्मेशन देता है, तो इस तरीके से उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। जैसे मान लो कि पुलिस को लगता है कि इसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, ठीक है, और इससे उसका नाम और एड्रेस पूछ रहे हैं, वो नहीं बता रहा, उस केस में भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है। अरेस्ट करेंगे तो विद इन 24 आवर मजिस्ट्रेट के सामने अपियर कराना होगा। ऐसी जो SHO होता है उसके पास भी पावर होती है कि किसी व्यक्ति को वो अरेस्ट कर सकता है। इन सेक्शंस के अंदर भी दिया गया कि कब कब वो अरेस्ट कर सकता है, इन ऑफेंसेस के अंदर वो अरेस्ट कर सकता है। बेसिकली कॉग्निजेबल केसेस ही होते हैं ज़्यादा जिनके अंदर अरेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो बाई पुलिस ऑफिसर, बाई SHO सेक्शन 41, 42, सेक्शन 41 में ही दी गई है ये चीज़ें। उसके बाद मजिस्ट्रेट भी जो है किसी, अगर मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में, जैसे मान लो चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उसके प्रेजेंस में कोई ऑफेंस हुआ है तो फिर वो भी अरेस्ट कर सकता है। लेकिन वहाँ पर क्या होगा, केस उसके पास नहीं चलेगा, क्योंकि एक तरीके से देखोगे अगर इवन वो विटनेस बन गया उस केस के अंदर तो कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया, तो फिर अगर अरेस्ट किया जाएगा तो फिर किसी और मजिस्ट्रेट के सामने उस एक्यूज को अपियर कराया जाएगा कि इसने ऑफेंस किया और इसके अंदर ये मजिस्ट्रेट जो थे वो विटनेस थे, इन्होंने इसको अरेस्ट करा है, ठीक है। तो इस तरीके की पावर्स मजिस्ट्रेट को भी दी गई है। और प्राइवेट पर्सन को भी पावर है सेक्शन 43 के अंदर, जैसे मान लो हर जगह पुलिस नहीं पहुँच सकती, ठीक है, कुछ ऑफेंसेज ऐसे होते हैं किसी प्राइवेट व्यक्ति के सामने हुए, जैसे हम सेक्शन 37 भी पढ़ते हैं कि ये प्राइवेट पर्सन की ड्यूटीज़ होती है कि वो जाके बताएं पुलिस को या मजिस्ट्रेट को इस तरीके का ऑफेंस, और अगर उनके सामने इस तरीके का कोई ऑफेंस हुआ है तो वो भी उनको पावर दी गई है कि वो अरेस्ट कर सकते हैं, और मजिस्ट्रेट जो है वो भी ऑर्डर दे सकते हैं। मान लो कि अब मजिस्ट्रेट को लगता है कि इस व्यक्ति को अरेस्ट करना ज़रूरी है, ठीक है, और अभी एकदम पुलिस अवेलेबल नहीं है, तो वो किसी प्राइवेट व्यक्ति को भी बोल सकता है कि आप इसको अरेस्ट कर लीजिए। तो इस तरीके की पावर प्राइवेट पर्सन को भी दी गई है सेक्शन 43 के अंदर। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है क्या, सेक्शन 45 की। आर्म फोर्सेज की अगर आपको किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है, आर्म फोर्सेज के व्यक्ति ऑर्डिनरी देखोगे तो आप सिविल एरियाज में भी डिप्लॉयड होते हैं, तो हो सकता है कि उनसे इस तरीके की कोई चीज़ हो जाए जहाँ पे उनको कोई क्राइम मान लिया जाए कि उन्होंने कोई अरेस्ट किया, तो और वो हो सकता है कि लोगों की हेल्प करने के लिए हुआ, तो वहाँ पे फिर क्या किया जाता है कि उनको आप ऐसे जाकर डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकते, पुलिस उनको जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं उनको अरेस्ट नहीं कर सकती अनटिल एंड अनलेस वो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंक्शन ले, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी होगी कि हम इन्होंने ये ऑफेंस किया है और इनको अरेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर पहले उनकी अगर सेंक्शन मिलती है, अप्रूवल मिलती है, तभी आप उनको अरेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप उनको डायरेक्टली आर्म फोर्सेज के जो भी लोग होते हैं उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। ये इनके लिए एक्सेप्शन रखी गई है सेक्शन 45 के अंदर। तो बेसिकली होता यही है कि या तो संबंध से आ जाओ, संबंध से नहीं आओ तो आपको अरेस्ट करके लाया जाएगा, अरेस्ट करके लाया जाएगा या तो वारंट के साथ या फिर बिना वारंट के। कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हो तो पता ही है कि बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकते हैं, और मैजिस्ट्रेट कब ऑर्डर करता है, कब वारंट इशू करता है, जब वो कॉग्निजेंस ले लेता है। लेकिन अगर आप इन सेक्शंस को देखो तो वो कॉग्निजेंस लेने से पहले भी वारंट इशू कर सकता है, ठीक है। और अब मान लो इन सब के बावजूद भी वो नहीं आया तो हम क्या करेंगे कि सेक्शन 82 के ऊपर जब आओगे तो वहाँ पे हम उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बना देते हैं कि एब्सकॉन्डर बना देते हैं कि जैसे हम भगोड़ा घोषित कर देते हैं उसको कि ये भाग गया, ये ऑफेंस करके भाग गया, होते हैं ना कई क्रिमिनल्स, तो हम उसके लिए क्या करते हैं न्यूज़पेपर में निकालते हैं कि न्यूज़पेपर में जैसे दो न्यूज़पेपर में निकाल देंगे जो भी किसी भी न्यूज़पेपर में निकाल दो, हिंदी इंग्लिश की न्यूज़पेपर जो भी ठीक होते हैं, तो उसके अंदर आप निकाल दोगे कि ये व्यक्ति है, इसने ये किया है और ये अपीयर नहीं हो रहा है। उसके बावजूद भी वो अपीयर नहीं होता तो फिर जो कोर्ट होता है वो अपनी नेक्स्ट डेट के ऊपर उसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर देता है, प्रोक्लेम कर देता है कि ये भगोड़ा है, उसको घोषित कर देता है इस तरीके की चीज़। अब वो नहीं आता तो जो व्यक्ति है जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ तो वो कहता है मेरे को इससे क्या रिलीफ मिल रहा है, तो फिर कोर्ट क्या करता है, ठीक है हम क्या करते हैं कि जो भी उसकी प्रॉपर्टी वगैरह है उसको अटैच कर देते हैं, अटैच करके फिर उसको बेच के जो भी प्रोसीड जाएंगे उसमें से वो पे किए जाते हैं, कंपनसेशन पे किया जाता है। और कंपनसेशन से एक चीज़ ये भी आता है कि जो सेक्शन जो एक व्यक्ति को अगर आप गलत डिटेन कर लेते हो 24 आवर्स से ज़्यादा और आपके पास कोई रीजनेबल रीजन्स नहीं होते और अब मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर नहीं करते तो फिर स्टेट जो है उसको कंपनसेशन भी पे करना पड़ता है उस व्यक्ति को जिसको आपने गलत इलीगली डिटेन कर लिया। अब यहाँ पे जो सेक्शन कौन सा 41 वगैरह जो हम पढ़ रहे हैं इसके बाद सेक्शन 41 ABCD भी ऐड किया गया अमेंडमेंट्स के बाद,
वो क्यों ऐड किया गया, जिसके अंदर हमें ये बताया गया कि अरेस्ट करने का तरीका क्या होगा, कुछ वेज बताया गया, पुलिस किस तरीके से अरेस्ट करेगी, जैसे ड्रेस, प्रॉपर ड्रेस पहन के जाएगी, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं कि किस तरीके से वो उसको इन्फॉर्मेशन देगी और सारी बातें बताएगी, ये सब उन सेक्शंस के अंदर ऐड की गई। और कुछ केसेस भी हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसके अंदर अलग अलग टाइम पे अलग अलग गाइडलाइंस भी आई सुप्रीम कोर्ट ने, अलग अलग बातें बताई, जहाँ पे पुलिस जो थी अपनी इस पावर का गलत यूज़ कर रही थी, जैसे सेक्शन 498 के ए के अंदर बहुत ज़्यादा गलत पावर यूज़ हो रही थी। तो हमारे सामने अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस भी आता है, काफ़ी फेमस केस है, वहाँ गाइडलाइंस आई थी। और जैसे मान लो कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट है, अब आपको उसको समन्स या वारंट इस तरीके की चीज़ इशू करने हैं, या समन्स इशू करने हैं, वारंट में तो पुलिस अरेस्ट कर लाएगी, तो उसमें कैसे आप समन्स सर्व करते हो? वो हमें यही सीआरपीसी में बता रखा है कि जो उनका जो भी हेड होगा डिपार्टमेंट का, उनको आप समन्स सर्व कर दोगे और उनसे रिसीविंग ले लोगे, वो उसको समन दे देगा। तो इस तरीके से पब्लिक सर्वेंट को भी समन्स इशू किए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि किस तरीके से एक एक्यूज्ड की अपीयरेंस जो होती है कोर्ट में की जाती है। या तो आप उसको एक तरीके से आपने बुलाया, आ जा, तूने कोई छोटा मोटा ऑफेंस किया, वो नहीं आया तो वारंट भेज के बुला लिया, ठीक है। या फिर आपने क्या किया, तूने बहुत बड़ा ऑफेंस किया है तो मैं तेरे अगेंस्ट वारंट इशू कर रहा हूँ। अब देखो, वारंट भी जो है ना, वो या तो बेलेबल वारंट हो सकता है, नॉन बेलेबल वारंट हो सकता है। बेलेबल वारंट में क्या होगा, आपको कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप कोर्ट में जाके बेल ले रहे हो, वहाँ पुलिस से ही आपको बेल मिल जाएगी अगर आप पुलिस के सामने अपेयर होते हो। नॉन बेलेबल के अंदर आपको फिर कोर्ट से जो है बेल लेनी पड़ेगी, और बेलेबल में भी अगर आप जैसे मान लो कोर्ट के सामने अपेयर हो जाते हो, तो कोर्ट आपको बेल दे ही देगा, वो कुछ आपसे पूछेगा नहीं, वो आपको बेल दे ही देगा अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो, और वो बेलेबल वारंट इशू किया गया है तो। तो बेलेबल वारंट भी हो सकता है, ये जो वारंट इशू हो रहे हैं विद वारंट आपको अरेस्ट किया जा रहा है, तो ये जो वारंट है ये बेलेबल भी हो सकता है और नॉन बेलेबल भी हो सकता है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। और जैसे मैंने आपको रोपकार की बात बताई थी कि अगर आपको जैसे अगेंस्ट नॉन बेलेबल बेलेबल वारंट हुआ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आप जाओ बेल मिल जाएगी आपको, आपके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गया, और बेलेबल में तो आप पुलिस भी आएगी, आप बेल ले सकते हो। अब नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गया, पुलिस आएगी तो आपको अरेस्ट करके ही जाएगी, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको जैसे पता चल गया कि मेरे अगेंस्ट NBW हो गए, तो आप क्या करोगे, अपने लॉयर से बोलोगे ठीक है कि मेरे अगेंस्ट NBW हो गए और मेरे को बेल चाहिए। तो आप क्या किया, एज ए लॉयर आप गए कोर्ट के अंदर और आपने उस व्यक्ति के लिए बेल ले ली, और कोर्ट को आपकी बात ठीक लगती है और कोर्ट ने बेल भी दे दी। अब लेकिन जो पुलिस ऑफिसर गया था, उसको तो नहीं पता था कि आपके जो आपने आपके अगेंस्ट जो NBW हुए हैं, जिसकी उसको डायरेक्शन मिली है कि इस व्यक्ति को अरेस्ट करके लाओ, कि वो NBW कैंसिल हो गए हैं कोर्ट के द्वारा। तो कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगाते हो NBW के, कैंसिलेशन की एप्लीकेशन का फॉर्मेट की भी वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हो। तो आपने कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगाई थी कि NBW कैंसिल कर दीजिए क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस था, और कोर्ट को आपके फैक्ट्स वगैरह सही लगते हैं और कोर्ट आपके NBW कैंसिल कर देता है। अब आप क्या करोगे, कोर्ट से कहोगे कि मुझे एक रोप कार दे दीजिए। रोप कार का मतलब अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो ऑर्डर ऑफ कोर्ट होता है, कि कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि ये चीज़ इनके अगेंस्ट खत्म हो गया। अब जब भी आपके पास वो जो भी पुलिस ऑफिसर जिसको भी डायरेक्शन दी गई है कि इसको अरेस्ट करके लाया जाए NBW के अगेंस्ट, तो जब भी वो आपके पास आएगा, आप उसको बोलोगे कि मेरे NBW कैंसिल हो गए, तो कैसे कैसे मान लेगा आपके पास क्या प्रूफ है? तो तब आप उसको क्या शो करोगे, आपका रोपकार शो करोगे कि जो कोर्ट ने मेरे अगेंस्ट NBW इशू किए थे, जिसके लिए आपको डायरेक्शन दी थी, वो मेरे कैंसिल हो चुके हैं, आपको मेरे को अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी डेट ऑफ अपियरेंस होगी मैं उसमें अपने आप आ जाऊँगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। बाकी इस वीडियो को लेते हैं, आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से एक्यूज को कोर्ट में प्रेजेंट कराया जाता है, ऐसी विटनेस को भी प्रेजेंट कराया जाता है। तो विटनेस के लिए हम अलग से समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अरेस्ट का प्रोसीजर देख लेंगे, अरेस्ट के बारे में और डिटेल में देख लेंगे कि जैसे किसी को अरेस्ट किया जाता है तो किस तरीके से किया जाता है, और उस व्यक्ति के राइट्स क्या होते हैं। जैसे अब मान लो एक एक्यूज है, उसको अरेस्ट किया गया, तो अब उसके क्या क्या राइट्स होंगे जब उसको अरेस्ट किया जाएगा, तो ये काफ़ी हम चीज़ें पहले भी डिस्कस करते रहते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, आपको और थोड़ा सा बेस आपका स्ट्रॉन्ग करती रहेंगी और आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्वर में हेल्प होगी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई जैसे मान लो दिल्ली जुडिशरी देते हैं या हरियाणा जुडिशरी देते हैं, तो जो केसेस आते हैं ना एग्ज़ाम के अंदर, वो क्या होते हैं बेसिकली, अगर आप देखोगे भी तो वो विद इन 2-3 ईयर्स से करंट केसेस होते हैं। जैसे मान लो आप 2022 के अंदर एग्ज़ाम देते हो या 2021 में देते हो, तो आप 2018, 19, 20 के जो केसेस हैं, या जैसे मान लो 21 के अगर एंड में भी हो रहे, तो 21 के जो केसेस हैं ज़्यादातर उसी के फैक्ट्स पूरे उठा के पेपर में अंदर आ जाते हैं, कि उसी तरीके के फैक्ट्स दे देगा और आपसे पूछेगा कि क्या करना चाहिए। तो अगर आपने वो जजमेंट पढ़ा हुआ होगा, तो आप उसका सोल्यूशन उस जजमेंट के हिसाब से सही से दे पाएंगे।
आप करंट जजमेंट के साथ अपडेट रहिए, कोई भी ऐप की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए या कोई भी लॉ जर्नल की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, वो आपकी हेल्प करती रहेगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अगर आपको जुडिशरी से रिलेटेड और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और जुडिशरी कोचिंग के लिए भी बात कर सकते हैं।